अस्सलाम वालेकुम ग्रैंड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 ही कंटिन्यू चल रही है क्योंकि अभी जो इससे पहले वाला लेक्चर था 4.3 का, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स करवाए थे। अब उसकी कंटिन्यूशन में आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज इसको एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या है, 4/5 और आगे साथ लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 125। अगेन आपको मैंने कहा कि जब यहाँ पे पावर क्यूब में लिखी होगी तो इसका इंडेक्स है, लेकिन 4/5 का इसका कोफिशेंट है, ये इसका कोफिशेंट है, इसका तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सेपरेट करके लिखें क्योंकि ये क्यूब रूट है, लिहाजा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। अगर ये खाली रेडिकल साइन होता यानी स्क्वेयर रूट होता तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स करके उसको रेडिकल में कैंसिल कर सकते थे। इसको लिखें 4/5 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125 को लिखेंगे 125 रेज टू द पावर 1/3, यानी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब 125 के प्राइम फैक्टर्स ले लें तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 होल रेज टू द पावर 1/3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए यानी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई आ जाती है, जैसे ये 3 से कैंसिल हो गया, बच गया 4/5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से आ गया 5 की फिर कैंसिलेशन हो गई और आंसर आ गया 4। यानी बहुत आसान था कि जो क्यूब रूट दिया था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए, उसके प्राइम फैक्टर्स लिए और उसको एक्सपोनेंशियल रूट के मुताबिक सिंप्लीफाई किया और फिर इसके साथ कटिंग कर दी। पार्ट नंबर 5, स्क्वेयर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 या अंडर रूट 3। अब अगेन क्योंकि 3 सर्ट्स हैं और तीनों सर्ट्स को अलग-अलग लिखे हुए हैं तो उन सब को हम एक ही रेडिकल में लाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक ही रेडिकल साइन बनाया, ये उसमें 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनका प्रोडक्ट लिया वो आ गया 441 और 441 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। वैसे भी ऐसे भी कर सकते थे कि 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 तो 21 का स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो भी 21 ही आंसर, जो मर्जी मेथड यूज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब ये डिफरेंट सर्ट्स दिए हुए हैं, इसमें डिफरेंट सर्ट्स में क्या है कि ये कंपोजिट नंबर्स दिए हैं, 45 है, 20 है और अंडर रूट 5। जो 5 है वो तो प्राइम नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 45 के प्राइम फैक्टर्स निकाले 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 3 3 9 9 5 45। 20 के निकाले 2 2 और 5 आ गए और 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि स्क्वेयर रूट था जैसे इसकी यहाँ पे हम पेयरिंग कर सकते हैं आसानी से, तो 3 और 3 का पेयर बना और इधर 2 और 2 का पेयर बना, इनको स्क्वेयर में कन्वर्ट किया, 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही आ गया। अब जो स्क्वेयर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यानी बाहर आ गया, यानी इसका स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया होगा 3 अंडर रूट 5 क्योंकि ये अकेला था, माइनस 3 वैसे ही आ गया। अब 2 स्क्वेयर रूट था, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया यानी 2 अंडर रूट 5 बन गया, प्लस 4 अंडर रूट 5 वैसे ही आ गया। अब 3 अंडर रूट 5 और माइनस 3 2 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब ये रूल नंबर 1 जो आपको बताया था कि सेम सर्ट है और उसके कोफिशेंट्स दिए हुए हैं तो उनको कोफिशेंट्स को प्लस माइनस करने के बाद सर्ट साथ लगा देते हैं, तो 3 माइनस 6 और प्लस 4 यानी 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 क्या तो 1 एज ए कोफिशेंट नहीं लिखा जाएगा तो खाली अंडर रूट 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस 300 का स्क्वायर रूट। अगेन इन सब के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 4 इसका प्रोडक्ट है जैसा बाहर आ, 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि 2 2 2 2 2 4 और 4 3 12 होता है, फिर 27 के बना लिए 3 3 3 यानी 3 3 9 9 27, फिर 75 के बनाए फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स को बने 3 5 5 3 5 15 और 15 5 75, फिर उसके बाद जितना 300 के प्राइम फैक्टर लिए वो आ गए 2 2 3 5 एंड 5। अब इसके बाद क्योंकि स्क्वायर रूट था जैसे इसकी पेयरिंग कर लेंगे अंदर ही, ये आ गया 4 ऐसे ही आ गया, 2 स्क्वायर रूट था 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया और 3 अकेला था वैसे ही आ गया, इसी तरह 5 का ये 3 का पेयर बन गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, सिमिलरली इसमें 5 का पेयर बन रहा था तो -3 × 3 × 5 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, 2 का बन रहा है और 1 5 का बन रहा है, उनके स्क्वायर बना लिए यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 × 5 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे वो नंबर बाहर आ जाएंगे,
फोर एज इट इज आ गया, फोर मल्टीप्लाइड बाई ये स्क्वेयर स्क्वेयर उसे कैंसिल हो गया, टू बाहर आ गया, अंडर रूट थ्री अंदर रह गया। इसी तरह यहाँ से फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाहर आ गया, अंडर रूट थ्री अंदर रह गया, माइनस थ्री इंटू फाइव बाहर आ गया, अंडर रूट थ्री वैसे रह गया। और इसी तरह यहाँ पे टू और फाइव का जब स्क्वेयर रूट खत्म किया था, टू और फाइव दोनों बाहर आ गए और अब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर टू जार एट अंडर रूट थ्री प्लस फाइव थ्री जार फिफ्टीन अंडर रूट थ्री माइनस थ्री फाइव जार फिफ्टीन अंडर रूट थ्री प्लस टू फाइव जार टेन अंडर रूट थ्री। अब क्या है, क्योंकि देखें सबका सर्च सेम है, अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर सब के कोफिशेंट को प्लस माइनस करने के बाद आप आंसर निकाल दें। मैंने इसको किए हुए प्लस फिफ्टीन था और ये माइनस फिफ्टीन वैसे कैंसिल कर दिए। अब एट प्लस टेन करेंगे तो एटीन अंडर रूट थ्री आ जाएगा। पार्ट नंबर थ्री, अंडर रूट थ्री इंटू टू अंडर रूट थ्री प्लस थ्री अंडर रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन आपको आसान तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका यह है कि अंडर रूट थ्री से पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दूँ। लेकिन आसान तरीका क्या है कि अगर आप देखें ब्रैकेट में सेम साइड है, ये भी अंडर रूट थ्री है और ये भी अंडर रूट थ्री है, इसका मतलब ऐसे समझ लें कि टू एक्स प्लस थ्री एक्स है। तो जब भी टू एक्स प्लस थ्री एक्स सेम टर्म्स हम उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये सेम साइड है इसको ऐड कर लेते हैं, यानी टू प्लस थ्री किया तो फाइव अंडर रूट थ्री आ गया। अब अंडर रूट थ्री को फाइव अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। वो आपको रूल्स बताए हैं कि फाइव इसका कोफिशिएंट फाइव है, इसका कोफिशिएंट वन है, तो फाइव वन जा फाइव। अब अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइड है सेम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर या स्क्वेयर रूट उसका खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री यानी फिफ्टीन आंसर आ गया। नेक्स्ट टू इंटू सिक्स अंडर फाइव माइनस थ्री अंडर फाइव, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था, वहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का साइड सेम है, ये भी अंडर रूट फाइव है ये भी अंडर रूट फाइव है। तो सिक्स माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री अंडर रूट फाइव। तो टू इंटू थ्री अंडर रूट फाइव, अब अगेन होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सर्ट को सर्ट से या रेडिकल को रेडिकल से। तो इसमें सिर्फ होल नंबर है टू थ्री जार सिक्स और अंडर रूट फाइव सात आते हैं, सिक्स अंडर रूट फाइव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जो भी पार्ट्स हैं, अब जो क्वेश्चन नंबर फोर है एक तो तरीका है कि हम उसको ऑपरेशन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहा क्योंकि हम ये अलजेब्रिक फार्मूलाज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं फार्मूला इस्तेमाल होता हो वहाँ पर हमेशा फार्मूला यूज करें, उससे एक तो गए क्वेश्चन आसानी से हो जाता है और आपको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। अब ये लिखा हुआ था थ्री प्लस अंडर रूट थ्री इंटू थ्री माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे देखें कि ये दो वैल्यूज हैं या दो ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है। तो अगर हमारे पास देखें ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इस पर इजीली फार्मूला लग सकता है, क्योंकि दो नंबर ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं जिनमें एक प्लस साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ है। तो हमारा जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी तो उसको हम स्क्वीजिंग फॉर्म में ला सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लगा लेते हैं यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, ए की जगह लिख दें थ्री और बी की जगह लिख दें अंडर रूट थ्री, यानी थ्री प्लस अंडर रूट थ्री इंटू थ्री माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ए की जगह थ्री और बी की जगह अंडर रूट थ्री, यानी थ्री का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। जब अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री का स्क्वायर आ गया थ्री थ्री जो नाइन और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ गया थ्री, तो नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, यानी फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, अगेन ये भी फार्मूले से आसान से हो सकता है क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे ए की जगह आ गया अंडर रूट फाइव और बी की जगह आ गया अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट थ्री। अब आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया फाइव, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया थ्री। अब टू मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि दो सर्ट्स हैं या दो रेडिकल वैल्यूज हैं अलग अलग हैं, उनको एक ही ब्रैकेट में ला के एक ही सर्ट में ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री, यानी फाइव प्लस थ्री एट हो गया प्लस टू और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, यानी एट प्लस टू अंडर रूट फिफ्टीन। नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर, अंडर रूट टू प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री। अगेन ये भी फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये भी आसानी से हो जाएगा। यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह आ गया अंडर रूट टू प्लस बी की जगह आ गया वन ओवर अंडर रूट थ्री। अब इसी तरह वैल्यूज पुट कर दी,
अंडर टू प्लस वन ओवर अंडर थ्री इंटू अंडर टू माइनस वन ओवर अंडर थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह आ गया अंडर टू का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह आ गया वन ओवर अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया टू, इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया वन ओवर थ्री। तो टू माइनस वन ओवर थ्री एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आंसर फ्रैक्शन में निकाल लें, आंसर आ गया फाइव ओवर थ्री। अब लास्ट पार्ट, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म दी हुई है, तो उसी फार्मूले की मदद से हम इसको कंटिन्यू प्रोडक्ट का आंसर निकालेंगे, यानी वही फार्मूला दो या तीन दफ़ा अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए क्योंकि बार बार यूज होना है तो आप विदाउट यूजिंग फार्मूला से, लेकिन आपने लगाना अप्लाई है उसको, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यूजिंग फार्मूला। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, बाकी एज इट इज आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस, और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों का स्क्वायर लेने वैसे भी सिंपलर फॉर्म में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन एक दफ़ा माइनस के साथ है एक दफ़ा प्लस के साथ, तो फिर इसका स्क्वायर लें, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो टू टू ज़ा फोर और टू टू ज़ा फोर, एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस वाई रेज टू द पावर फोर। रिवाइज कर लेते हैं कि जो इस एक्सरसाइज में जो सर्च वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपने सर्च के रूल्स को माइंड में रखते हुए सारे सवाल किए हैं, कि आपने ये देखना है कि अगर लाइक सर्च हैं तो उनके कोफिशेंट को प्लस माइनस करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ, जैसे ऐसे जैसे जैसे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और जहाँ कहीं कंपोजिट नंबर्स आ जाए उनके प्राइम फैक्टर्स निकालें, और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो उसकी पेयरिंग करें, और पेयरिंग करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें। अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई है इंडेक्स फॉर्म में है तो फिर उसके प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद उसको इंडेक्स फॉर्म में लाने के बाद उस तरीके से सिंप्लीफाई करें। और जहाँ कहीं क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर सारे मैंने फार्मूला से करें, जहाँ कहीं फार्मूले की एप्लीकेशन होती हो वहाँ पर हमेशा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी आपको बताया जब एक फार्मूलाज का है, और इससे तो क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। वरना दूसरा तरीका था, इसको मैं दो दो बार लिख के मल्टीप्लाई करता, वो ऑपरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। होप यू विल अंडरस्टैंड।